नमस्ते अंकल जी, थोड़ा नजदीक लाइए जिसकी वजह से आवाज मेरी ठीक से आ हाँ सर। अभी एसी और फ्रिज में फायदा ये है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स भी अच्छा ही है, लेकिन एसी फ्रिज में फायदा ये है कि 100 रुपये का केस आती है और उसका 2400 रुपये लेने का रहता है, आधे घंटे का काम रहता है। और मोबाइल रिपेयरिंग में क्या है कि आपको दुकान डालनी पड़ेगी, मिनिमम 10,000 आपको खर्चा लगेगा, 10,000 का खर्चा दुकान कोई भी डालते हो तो आपको 10,000 का तो खर्चा लगेगा ही, उसके ऊपर जो आप कमाओगे उसके लिए क्या है कि पूरा दिन आपको दुकान पे बैठना पड़ेगा। अभी जो फिलहाल जो चल रहा है बिजनेस, सबसे बढ़िया बिजनेस जो है शुरू हो रहा है वो है एसी और फ्रिज रिपेयरिंग का। एसी और फ्रिज रिपेयरिंग में फायदा ये है कि आधा घंटे काम कर लिया 2,000 रुपये मिल गए, बस एक काम कर लिया तो 2,000 रुपये मिल जाते हैं। मतलब हर जगह अभी क्या हो गया है कि ऑफिस, हॉस्पिटल, बैंक, एटीएम, हर जगह पे अभी एसी तो चाहिए क्योंकि गर्मी ही बढ़ गई है। तो इन्वेस्टमेंट किए बगैर अगर पैसा मिलता है और वो भी बड़ी अमाउंट मिलती है, तो आजकल क्या है कि मोमेडियन जो लड़के रहते हैं ना वो ज़्यादातर ये सीखते हैं, अपने जो हिंदू लड़के हैं ना उसको ये नहीं कहते, वो मोबाइल में जाते हैं। मेरे हिसाब से दोनों अच्छा है, लेकिन अगर पैसा कमाना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो सबसे बढ़िया है वो एसी फ्रिज रिपेयरिंग का कोर्स। उसका 1.5 महीने का कोर्स है और उसमें 15,000 रुपये फीस है। तो फायदा तो इसके अंदर ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये 15,000 ही इन्वेस्टमेंट है, बाकी जो उसके जो टूल्स वूल्स आते हैं वो लेना है, वो तो जब जब रिपेयरिंग करते जाते हो ऐसे ऐसे आप टूल्स खरीदते जाओ, लेकिन फायदा इसके अंदर है। और तो रही बात यह कि अगर छुट्टी चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको किसी के वहां बंद जाने की जरूरत नहीं है, या तो आपको किसी को बोलने की जरूरत नहीं, दुकान बंद कर दिया तो बात खत्म, आपका मीटर बंद। लेकिन ये चीज ऐसी है कि अगर आप शादी ब्याह में गए आधे घंटे के लिए, वहां से निकल के किसी का फ्रिज या एसी रिपेयर कर दिया तो भी आपको 1500-2000 रुपये मिनिमम मिल जाएंगे। तो ये जो बढ़िया धंधा है, तो मोदी जी ने जो 2000 का नोट निकाला है ना, वो हम लोगों के लिए ही निकाला है, तो फायदा हमें ही लेना है, हम लोग अगर नहीं लेंगे तो। और एसी फ्रिज में फायदा ये है, और मोबाइल के अंदर नुकसान ये है कि अभी मोबाइल जो है वो ज्यादातर लोग क्या कर देते हैं कि भाई 4G आया, 5G आएगा तो मोबाइल ही चेंज कर देते हैं, तो उतना रिपेयरिंग जो पहले जो रिपेयरिंग था ना वो नहीं रहा। और उसके सामने के दुकान डालते हो तो आपको कम से कम 50,000 रुपये का उसमें सामान भर के रखना है, और वो मॉडल अगर बदल गया तो वो मॉडल का जो आपके पास सामान पड़ा है वो कुछ काम का नहीं है। इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, इसमें कॉपर ट्यूब आती है, कस्टमर से आप बोल सकते हो कि ठीक है आपके एसी में या फ्रिज में गैस डालनी है, पैसा दीजिए मैं गैस लेके आता हूँ, तो उसमें क्या रहता है कि उधारी भी नहीं रहती है। और इसके अंदर तो अभी तो क्या है कि सब लोग अपने पहचान वाले दोस्त जो सगा संबंधी रहते हैं वही लोग रहेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा उधारी का भी रहता है। लेकिन इसके अंदर तो हमें यही बोलना है कि आप पैसा दे दीजिए, हम लेके आते हैं गैस लेके आते हैं या तो पार्ट्स लेके आते हैं, तो आप वही हिसाब से पैसा भी पहले ले सकते हो और काम भी हो जाए। तो जो जेब में आया वही पैसा है, उधारी में कभी कोई धंधे में कोई बरकत नहीं रहती है। तो वो हिसाब से मैंने ये भाई को समझाया है, तो आप देखिए आपको क्या ठीक लगता है। नमस्ते।